अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। शादी के भोजन में एक अनजान व्यक्ति को खाते देख के घर वाले ने पूछा कि माफ कीजिएगा, आपको निमंत्रण दिया गया था क्या? तो वह आदमी गर्म होते हुए बोला, नहीं दिया तो यह मेरी गलती है क्या? आदमी बोला, क्यों भाई आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो क्या? क्यों क्या हुआ? कवि नहीं भाई, जिस लड़की के लिए लिखता था उसकी शादी हो गई है। आदमी, अरे वाह, फिर तो उदासी रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना। कवि, नहीं भाई तू समझ नहीं रहा है, दरअसल उसकी शादी मुझसे ही हो गई है। पति बोला, तुम मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो? पत्नी बोली, हम औरतों की उम्र 40-50 क्यों ना हो, मायके में पैर रखते ही हमें 15-18 उम्र की फीलिंग आ जाती है। पति, अच्छा। पत्नी, और तुम कहो, तुम्हें ऐसी 15-18 साल वाली उम्र की फीलिंग कब महसूस होती है? पति, बस हमारा भी वही, जब तुम मायके जाती हो। पत्नी बेहोश। कल पड़ोसी से मैंने मिक्सर मांगा तो वो बोला, यही आके यूज कर लो। आज वह उल्लू का पट्टा झाड़ू मांगने आया, मैंने भी बोल दिया, यही आके यूज कर लो भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। एक लड़का किसी लड़की को बहुत पसंद करता था, उसने उस लड़की से कहा, मुझे कोई ऐसा तोहफा दो कि जिसे मैं अपने पास जिंदगी भर संभाल के रख सकूं। लड़की ने अपनी जूती का तला उतार के दे दिया। लड़का वो जूती का तला लेके सुनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बना के इस तले को इसमें चढ़ दो। सुनार ने कहा, कल आके ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा, किसी पीर साहब का नहीं है, बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ बेवकूफ, उल्लू के पट्टे गधे कही के कल से मेरा सारा खानदान इस चुती को चुम चुम के पागल हो गया है। यही हाल हमारी जनता का है, आंखें मुंद करके बस धोखेबाजों के पीछे भागे जा रही है। कोर्ट में एक एक्सीडेंट केस पे सुनवाई चल रही थी। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी धीमे चला रहे थे? आरोपी, हुजूर मैं उस समय अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। जज, रिहा कर दो इस मासूम को, ऐसे समय कोई भी गाड़ी तेज नहीं चला सकता है। एक सच बात, कर्जा भी अजीब होता है साहब। अमीर पे चढ़ जाए तो देश छोड़ देते हैं और गरीब पे चढ़ जाए तो शरीर छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।